हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। आज है कार्तिक पूर्णिमा, तो आज के दिन लेडीज़ का फास्ट होता है, वो लोग फास्ट रखते हैं एंड देन उसके बाद ना वो लोग कोठी वगैरह बनाने जाते हैं। तो आज हमारे घर में भी यही होने वाला है, तो आज मम्मी ने फास्ट रखा है। तो बेसिकली ये फास्ट वैसा ही होता है सेम जैसे करवा चौथ का होता है, तो शिवानी से आज नहीं हो पाया तो शिवानी ने आज फास्ट रखा नहीं, बट स्टिल जो कोठी बनानी होती है तो कोठी बनाने जाएगी। और आज देखेंगे हम कि शिवानी कितनी बड़ी आर्टिस्ट है, तो जितनी बड़ी कोठी बनेगी उतना बड़ा घर बनता है ऐसा कहते हैं। जैसे करवा चौथ में रेडी होते हैं तो वैसे ही रेडी होना पड़ता है, और शिवानी रेडी हो चुकी है, अभी पूजा वगैरह के लिए जाएंगे एंड देन फिर वही प्रोसीजर होगा जो मैंने अभी आपको बताया है। शिवानी हो रही है रेडी, मैं दिखाता हूँ आपको। अच्छा जी, इयररिंग्स नहीं आ रहा। इयररिंग्स नहीं आ रहे? आ गया फाइनली। मैं सोच रही हूँ बिंदी भी लगा लूँ। हाँ बिंदी लगा लूँ। अरे नहीं लगी, वाह, बट सेंटर में है। पता नहीं यार, लगती नहीं, चिपक जाती। ठीक है, सेंटर में लग रही है। हाँ ठीक है, ready. ये तुमने मुंह क्यों सड़ाया हुआ है? ऐसा ही है मेरा मुंह। अच्छा ऐसा ही है। शिवानी हो गई है रेडी, और बेसिकली ना इस फास्ट में होता क्या है कि आपको दिए बनाने होते हैं, और वो भी आटे के हाथ से खुद से। तो अभी शिवानी बनाने जा रही है दिए। तो शिवानी को कुछ आटा बना मतलब दिया बनाना आता नहीं है आटे का, तो मम्मी सिखा रही हैं शिवानी को। आता नहीं, मैंने बनाया नहीं कभी, मतलब बनाया नहीं कभी। तो शिवानी को मम्मी बता रही कैसे बनाना है। ऐसे करके ना, अभी ये सॉफ्ट नहीं हुआ ना, इसको अच्छे से सॉफ्ट करके ना इसका एक कोना ऐसे हो। सारे चार वाले बनाने हैं? हाँ नहीं नहीं, अच्छा ये वाले 11 दिए ऐसे बनाने हैं। अच्छा, क्योंकि हम दोनों मिलके बनाएंगे ना। एक चार वाला? दो चार वाले, एक तेरे लिए एक मेरे लिए। पहले आटे को अच्छी तरह सॉफ्ट कर ले, फिर अच्छे बनेंगे। मतलब 11 दिए ऐसे छोटे बनाने हैं, सुन। फिर एक तुम्हारा ज्वेलरी बॉक्स बनाना है, करण की वाइफ का सारा। हाँ मैं बताती हूँ ना, ज़्यादा नहीं बनाना। ज्वेलरी बॉक्स कैसे बनाने हैं, जैसे तू तो आ गई करण की वाइफ, तो एक शुभम की वाइफ का होता है, जैसे जितने बेटे हों उनके लिए ज्वेलरी बॉक्स कैसे बनाना है, ऐसे बनाते ना हम इसको ना, ऐसे ऊपर बड़ा बड़ा बनाते रहेंगे, ऐसे बना के ना। तो जितना डीप होगा उतनी ज्वेलरी बनेगी। डीप नहीं, फिर वो रखने के लिए भी तो होता है ना। और इसका ढक्कन ये ऐसे बना के ना कि ऐसे सेट हो जाए, हमें ऐसे रखना है। ठीक है, मैं थाली दे देती हूँ, थाली पे रखना। अभी तो इसको सॉफ्ट करेगी ना, और ढक्कन बनाना है इसको ऐसे। तो आज है शिवानी के लिए असली चैलेंज। तो ये ऐसे करके इतना होना चाहिए कि इसके ऊपर ये बंद हो जाए। ठीक, ओके। ये ऐसे तो लंच बॉक्स टाइप हो गया। तो हाँ, दो बॉक्स बेटा कहा ये जाता है, ये ज्वेलरी बॉक्स। तो एक करण के लिए, एक करण की वाइफ के लिए तो आ गई, वो उसको मिल जाएगा, और एक शुभम की। चाहे इसको भी सॉफ्ट कर ले थोड़ा सा। तो बेसिकली दो बनाने हैं ये भी। हाँ, वो शिवानी हो गई रेडी करने के लिए, और ये पहला दिया बनते हुए। तो ये आपको दिखाया जा रहा है कि ये कैसे बनता है। अब निकलेगी चोंच। ये निकल गई चोंच। अब भाई जैसा बन रहा है बन रहा है। I'm not pro. हाँ ठीक है, you're not pro and you're doing it for the first time, so still better है। काफ़ी फास्ट फास्ट दिए बन रहे हैं, शिवानी ने अपनी स्पीड थोड़ी सी तेज़ कर दी है। शिवानी कैसा लग रहा है बना के? पहली बार बना रही हूँ। और इसके अंदर मम्मी तेल डलेगा घी डलेगा? घी। इसके अंदर तेल डलेगा अभी, और बत्ती डलेगी, सरसों का तेल और बत्ती। अगर आपसे ना बने तो आप मिट्टी वाले भी यूज़ कर सकते हो।
हाँ हम मेहनत कर रहे हैं, दिया तो दिया है। So that's how it looks like. अभी एक ज्वेलरी बॉक्स रहता है। अभी क्या बनाने हैं? मतलब I am just telling you कि ये भी रहता है। सोच रही हूँ आटे के दिए बनाने का साइड बिजनेस स्टार्ट कर। बहुत तेज हो रहा है। अच्छा था ये। और आप लोगों को एक बेहाल बंदे की शक्ल दिखाता हूँ मैं। ये है हमारा मुमड़ो। मुमो क्या हो गया हैं? क्या हो गया? ये बेचैन है कि ये कर क्या रहे हैं? अब बनाएंगे हम चार मंगोले। क्या बनाएंगे? फोर साइड्स वाला। अच्छा फोर साइड्स वाला, तो एक ही में ही चार चोच बनेंगे। और वो स्क्वायर में बनेंगे या गोल में बनेगा? देखते हैं कैसा बनेगा। चलो देखते हैं क्लोजली। Finally she succeeded. अच्छा बन गया ये। देखो nice. अब हम बनाएंगे एक और बॉक्स। ना ज्वेलरी बॉक्स बना लेते हैं, बड़ा बड़ा ज्वेलरी की कलेक्शन के अकॉर्डिंग। शिवानी बना रही है अपना ज्वेलरी बॉक्स। मैं वही तो बोल रहा था, लंच बॉक्स लग रहा है। ये है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 यही है ना। हेलो बेटे, ये पूजा करेंगे ना वहाँ हम दादी के यहाँ। आपने इसका ढक्कन बना दिया? ये शुभम मामा वाली मामी के लिए, शुभम मामू की मामी के लिए। शुभम मामू की मामी के लिए? नहीं रे नहीं, मामू वाली मामी के लिए। हाँ अब चलें अभी पूजा। गुड्डू अपना लैपटॉप तो दिखाओ एक बार। ये है गुड्डू का न्यू लैपटॉप। वाह। तो हम निकल चुके हैं पूजा के लिए और हमारे साथ है गुड्डू। गुड्डू अपना इंट्रो दो, बताओ आपका नाम क्या है? गुड्डू है, खुशवी है, दोनों है। घर का नाम गुड्डू है, वैसे खुशवी है। सो यहाँ पे हो रही है पूजा की तैयारी। सारे के सारे अपनी थालियों में पूजा का सामान डाल रहे हैं, जैसे कि गुड़, गेहूं, मूली के पत्ते, गन्ने। पूजा की थाली के साथ पानी का लोटा भी लेके जाएंगे साथ में, क्योंकि वो चढ़ाना होता है पानी। तो ये अब जाया जा रहा है वहाँ पे पूजा करने। ओके तो अब ये लोग बैठ गए हैं पूजा के लिए। अब पत्थर लिए जाएंगे, पत्थर से कोठी बनाई जाएगी और स्लोली स्लोली सब कुछ काम करा जाएगा उस पर। ये कोठी बननी स्टार्ट हो गई है, आप जैसे देख सकते हैं इन्होंने 2 फ्लोर की कोठी बनाई है और ऑनेस्टली काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी बड़ी बनाई थी। और इसके बाद इसको डेकोरेट भी करा जाएगा, जैसे दिए लगाए जा रहे हैं। ठीक है, दिए लगाने के बाद उसमें तेल डाला जाएगा। अब जैसे देख सकते हो शिवानी तेल डाल रही है दियों में और मम्मी गन्ना और मूली के पत्ते डाल रही है। और उसके बाद दिए जलाए जाएंगे, जैसे हम अपने घर के घर में दिए जलाते हैं सेम वैसे ही ये भी जलाया जा रहा है। और साइड में जो आंटी हैं वो कथा सुना रही हैं इस व्रत की, तो बता रही हैं उसमें क्या होता है क्या नहीं। कर दो, कर दो, कर दो।
तो ये जल रहे हैं दिए, आप देख सकते हैं जैसे हम दिवाली पे अपना घर डेकोरेट करते हैं, तो इसको भी वैसे ही डेकोरेट करा है हमने, और कितना अच्छा लग रहा है आप देख सकते हो। और ये बाकी औरों का है। तो फाइनल कोठी रेडी हो गई है, तो पूजा कर लिया शिवानी ने, और कोठी भी काफ़ी अच्छी बनाई है मम्मी और शिवानी दोनों ने। तो शीरॉक, तो चांद भी आ गया है, चांद भी आ गया है, तो अब चांद को अर्क दे के मम्मी फास्ट खोली के, अब शिवानी का तो फास्ट है नहीं, मैं खा चुकी। चांद दिख रहा है? हाँ, चांद बिंदास दिख रहा है। ओए, कौन दिख रहा है? अच्छा, बोल रहा आगे। तो ये भी हो गया, ये इसमें डाल दिए कुछ चावल और इसमें। So guys, that's all for today's vlog. See you in another vlog. Till then, bye-bye. Take care.